मैं तो आपसे रहना चाहूंगा, जिम्मी के संग कैसा रहा एक्सपीरियंस, और कितना मिस करेगा वो, शूटिंग नहीं होने वाली है, सब कुछ अब बंद है? Well, I'll kind of, you know, it was always, I definitely miss working with him because it was, he's extremely spontaneous as an actor, and I know he'll hate me for making him work all night. ये जो हैं ये दिन रात शूटिंग कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, इनको नींद वींद नाम की इनकी लाइफ में कोई चीज़ है नहीं. So he can shoot 24 hours a day for 7 days in a week and still not be tired. He'll still say let me shoot for another day. He's like that. So which is a damn good thing. Energy इतनी जो है वो एक director के अंदर होनी चाहिए. और जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी एक्सटेंसिवली शूट की है. वो शॉट्स जो हैं वो फिल्म देख के आपको भी लगता है कि हाँ, इस फिल्म में वाकई जो है डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को बनाने के लिए. सर, आप लोग थोड़ा क्लोज हो आपसे आना चाहूँगा, जिम्मी ही क्यों, मतलब और भी कोई कलाकार से जिम्मी को ही क्यों सेलेक्ट किया आपने? क्या ये वाकई में शुरू से था या फिर आपने बीच में जिम्मी? No, I mean, it was always, the producers also first beginning had given the script to Jimmy, but Sir was busy for a while, and so we went through a series of people, but no one really fit. In my head it was pretty clear that the character and Jimmy really work well together. सेट पे कभी कुछ ऐसा हुआ कि मतलब अक्सर स्टोरीज आती है, जब हॉरर फिल्म आती है तो अक्सर स्टोरीज आती हैं कि सेट पे हमने असली भूत देखे या सेट पे ऐसा डरावनी चीज हुई, कुछ प्रैंक या कुछ हुआ आप लोगों के साथ? प्रैंक स्टोरीज तो बहुत होते थे वहाँ पे. पूरी रात अगर आप शूट करेंगे एक फिल्म को तो किसी एक पॉइंट पे थक भी जाएंगे लोग. तो मैं हमेशा अपने फ़ोन पे उनकी फ़ोटोएँ खींच के ट्विटर पे और फेसबुक पे डालता रहता था. सब जो है मूर्छित पड़े होते थे सबके सब फ्लोर के ऊपर इन बिटवीन द शॉट्स एंड ऑल दैट. बट सो आई थिंक ये प्रैंक खेला मैंने. प्रैंक भी क्या है, थोड़ा सा यू नो योर ऑन योर फीट एंड ऑल द टाइम व्हेन यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, नहीं तो मैं भी उनकी तरह मूर्छित हो जाता वहाँ पे. और दूसरी चीज़ ये कि हाँ, डरावना तो था, क्योंकि मॉल में बिना लाइट्स के रात के वक्त भागना जस्ट एक टॉर्च के साथ, तो यू नो स्टेप्स के ऊपर नीचे भागना, एसी की डक्ट्स के अंदर से बिना लाइट के करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फिल्म में की. आप लोग जाने देंगे तो बताएंगे कि किस तरह से इंजॉय करना है, हमको तो पता ही नहीं ऊपर माहौल क्या है. हमको तो माहौल का भी नहीं पता ऊपर है. चलिए अच्छा है, सब आ जाए, मैं तो कहता हूँ. अच्छा, आपसे आपको एक चीज़ जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता हो? कॉकरोचेस. Yes, horrible fear of cockroaches. Yeah. And do you believe in ghosts? कभी आपकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ? I would like to believe in it, but as of right now, there's nothing that has made me believe in it. But the thought of it is exciting, and it's elemental, you know. So we all still get scared of it, even though we don't know whether it exists or not. Jimmy, आपसे भी कि आप कभी किसी चीज से डरते हो या कोई चीज? नहीं सर, मैं डरता हूँ एक आम इंसान की तरह, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि अपनों को खो देने का डर होता है, मौत का डर होता है, बट इन सब चीज़ों से नहीं, शायद इसलिए क्योंकि मैं गुरु गोविंद सिंह का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक कि मेरा कोई इंटरेक्शन ऐसी चीज़ों से हुआ है. लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं, इसीलिए हमें डर लगता है उनसे. थैंक यू सो मच.